हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, मैं आपको हिंदी का पैटर्न समझा रहा हूँ। पेपर ये नहीं है, ये ध्यान में रखना, पर पेपर ऐसे ही आना है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कमेंट किए थे, तो उनको बताना चाहता हूँ। जो ऐसे जो पहला क्वेश्चन होगा गद्यांश होगा, जिसको पढ़कर हमें नीचे जो क्वेश्चन दिए होंगे उसका आंसर उसी में से देना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में ये पैराग्राफ में से आंसर ही होंगे। फिर सेकंड जो पैराग्राफ होगा काव्यांश, कविता टाइप में, उसको भी पढ़ने के बाद में नीचे जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका आंसर उसमें से देना होगा, ठीक है। उसी में से, ये ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बच्चों, व्यवहारिक व्याकरण में खंडखा में निर्देश अनुसार प्रश्न होंगे। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए समास विग्रह पढ़ना पड़ेगा, समास के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, विधानवाचक वाक्य बनाना, ये सब वाक्य भेद में आ जाएंगे, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अलंकार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी डेफिनेशन पूछते हैं और कभी कभी एग्जाम्पल दे देते हैं, हमको पहचानना होता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में जो खंडगा होगा उसमें भी पैराग्राफ मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे प्रश्नोत्तर आएंगे आपके बुक से, सिलेबस में से आपको पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद में फिर से काव्यांश मिलेगा आपको, काव्यांश को पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर उसमें देना होगा। फिर प्रश्नोत्तर आपको मिलेगा, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से, आप पढ़ना ताकि उसके क्वेश्चन आंसर आप दे सको, ठीक है। उसके बाद में आगे फिर से पुस्तक कृतिका के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्नोत्तर ही पढ़ना पड़ेगा। फिर खंडघा जो होगा लेखन, उसमें क्या करना है आपको, निबंध लिखना, 200 से 250 शब्द में एक दो टॉपिक होगी, उनमें से किसी एक पर निबंध लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद में निबंध लेखन के बाद में बच्चों अगला जो है पत्र आएगा, ठीक है ना, औपचारिक अनौपचारिक ध्यान रखना, आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगला संवाद, संवाद पढ़ लेना, 5 नंबर का संवाद भी है, 5 नंबर का पत्र भी है, ठीक है। निबंध जो है 10 नंबर का होगा, ध्यान में रखना, निबंध 10 नंबर का होगा, ठीक है बच्चों। तो ये पढ़ लेना आप अच्छे से, संवाद भी आपको अच्छे से आता है, वर्कशीट में कर रखे हो, पत्र भी आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसी प्रकार का आपका पैटर्न होगा, ऐसे ही पेपर आएगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि काफ़ी बच्चों के जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे थे उनका पेपर स्कूल में लिया गया था, तो अपने अकॉर्डिंग 40-40 नंबर का बनाकर मैडम ने लिया था, तो कम्प्लीटली उनको सिलेबस का नहीं पता था कि किस तरीके से आएगा, तो ऐसे मैंने दिखा दिया, इसी प्रकार पेपर आएगा, आप अच्छे से तैयार करना बाकी सिलेबस में से, ठीक है। आशा करता हूँ पेपर अच्छा जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।